यूं तो ना जाने मैंने कितने लोगों को कहां कहां पहुंचाया है, लेकिन थे कुछ नमूने जिनकी वजह से मेरे सारे ख्वाब पूरे होते होते रह गए। और वो भी भगवान के बनाए हुए क्लास की वजह से नहीं, इंसान के बनाए हुए क्लास की वजह से। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको अपने सफर की तरफ, जहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं, सैलरी क्लास और बिजनेस क्लास होता है। तो चलो आपको सबसे मिलवाता हूँ। अरे टोला कैब कहाँ रह गया तू? अरे 309 पे कहाँ पहुँच गया तू? 307 पे आ, 5 मीटर कौन चल के आएगा? जल्दी आ और मेरे को लेके जा साला। हाँ गंगाराम जी। अब भैया इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इनके लक्षणों से तो आपको पता ही लग गया होगा, ये है हमारे बिजनेसमैन। अरे कहाँ रह गए हो यार? अरे भाई मैं तो अपनी लोकेशन पे ही खड़ा हूँ। अरे जल्दी आओ यार, लेट हो रहा हूँ। और इनके पिछवाड़े में जो आग लगी है ना, वो तो पानी भी नहीं बुझा सकता। अरे भैया आ रहा हूँ यार, थोड़ा सबर तो करो। अरे चचा अभी तो शेयरिंग कैब बुक की है मैंने, थोड़े से पैसे आ जाने दो, फिर देखना स्कोडा लोरा में जाना है मैंने डायरेक्ट। अब मिलिए हमारे हेमू भाई उर्फ नल्ला जी से, लेना तो चाहते हैं ये स्कोडा, लेकिन जेब में इनके नहीं है लो। अरे भैया कहाँ रह गए आप? यहाँ बहुत धूप हो रही है, प्लीज जल्दी आओ। भैया यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, ग्रीन कलर के पेड़ ही पेड़ हैं, बस यहीं खड़ी हूँ मैं, प्लीज जल्दी आओ। और ये, अरे भैया ये है मेरी पिर पिर पिरिया जी। अब इनके बारे में भी मैं ही बता दूंगा तो तुम वीडियो में क्या देखोगे कद्दू। अरे भाई कहाँ रह गए आप? अरे मैं तो लोकेशन पे ही खड़ा हूँ यार। ठीक है आ रहा हूँ। ये साला टोला कैब्स, इसको छोड़ के अगली बार से कूबर लूंगा। और ये, अरे भैया ये तो मैं ही हूँ। चलो इंट्रोडक्शन तो बहुत हो गया, चलो अब लेके चलते हैं आप लोगों को अपने सफर की तरफ। अरे कहाँ रह गए थे यार, बहुत लेट कर दिया, अब जल्दी चलो वरना बॉस गुस्सा करेगा। जी सर। अरे चलाओ भाई, जल्दी पहुंचाओ इन्हें, नौकरी करनी बेचारे को, नहीं तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। सबका हमारी तरह बिजनेस थोड़ी है। अरे भैया सुनो, जरा ठहरो, गाड़ी रोको भैया, जल्दी से है, हमें ही आ रहा है, अभी आते हैं। हाँ, वाह भाई वाह, मूत ने जैसा मजा और किसी चीज में नहीं। अब किसका फोन आ गया बे? हेलो, अरे पांडे जी बोलिएगा। हाँ, धंधा करने के लिए ही बैठे हैं। अरे पांडे जी डील जल्दी करवाइएगा ना। अब एक कब आएगा यार, लेट हो रहा है, ऊपर से वो बॉस गाली बकेगा। कितने का? 1.5 करोड़ की डील। अरे पांडे जी वाह भाई वाह, बिल्कुल करेंगे ना। अरे धन बरस रहा है, धन माता रानी की कृपा बरस रही है कृपा। अबे जल्दी आना भाई, कहाँ रह गया? और ज्यादा करवा दीजिएगा। बिल्कुल 2.5 करोड़ की डील। ओहो, अरे कृपा बरस रही है पांडे जी। हाँ बिल्कुल 3.5 करोड़। हाँ पांडे जी बिल्कुल करेंगे ना, करेंगे, माता रानी की कृपा बरस रही है। हाँ बिल्कुल करते हैं, अभी आते हैं हम। अभी आगे करते हैं। अरे भैया जल्दी चलो यार, जल्दी करो यार, बहुत ही लेट हो रहे हैं, आगे जाम भी होगा। अरे जाम होगा तो एक एक लगा लेंगे। अरे भैया जल्दी पहुंचा दो वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। हाँ मम्मी, फिर से वही शादी की बात। मम्मी मैं आपको सोच के बताऊंगी कि मेरे को जॉब वाला चाहिए या बिजनेस वाला। ठीक है बाय।
अरे भैया क्यों किसी गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? सबका हमारी तरह बिजनेस थोड़ी होता है। हाँ हाँ भैया, मेरे अंडर जो 1000 गरीब एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उनकी नौकरी पे बात आ जाएगी। वैसे भी मैं तो वेल पेड हूँ। वैसे भैया आप क्या करते हो? मैं कैब में घूमता हूँ। ये देखो ये कैब में घूमते हैं। अरे भैया थोड़ी सीट आगे करो ना, वो हमें थोड़ा लेग स्पेस चाहिए होता है ना। हमारा ऑफिस है, हमें थोड़ी टांग फैला के बैठने की आदत है कुर्सी पे आराम से, क्योंकि बिजनेसमैन है ना मैं। अरे भैया थोड़ी सीट आगे करो, हम छोटे मोटे कैबिन में नहीं बैठते, चोड़ में बैठते हैं। साला भीड़ कर रखी है। भैया थोड़ा एसी ऑन करना, गर्मी बहुत हो रही है। अरे भैया वो क्या है ना, गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम है, तो आप एक काम करो शीशे नीचे कर लो, बाहर से नेचुरल हवा आ जाएगी, प्रकृति का स्पर्श भी मिल जाएगा। अरे भैया इनको क्या पता पैसे की अहमियत, बिजनेस करे तो जाने। बिना एम्प्लॉय के बिजनेस करे तो पता लगे ना। और ये जितने घर चल रहे हैं ना, हम जॉब वालों की वजह से चल रहे हैं। अरे भैया जिसका खुद का बिजनेस होता है ना, वो किसी बॉस की नहीं चाटते। हमारा तो खुद का बिजनेस है, इसलिए हम हैं मालिक। और कोई बेवकूफ लड़की होगी जो किसी नौकरी वाले के पास जाएगी, कोई समझदार लड़की तो बिजनेसमैन के पास ही आएगी। भैया आजकल ना हर बंदा अपनी लड़की के लिए पढ़ा लिखा लड़का ढूंढता है, और सबको पता है जिसकी जितनी अच्छी जॉब उतनी ज्यादा डिग्रियां। अपने पिछवाड़े में डाल ले डिग्री। अरे भैया फिर तो दो हो जाएंगी। अरे तो भाई फिर एक मेरे को दे देना, हो सकता है डिग्री से मेरा भी कई काम धंधा सेटल हो जाए। आजकल तो 8वीं फेल भी बिजनेस करने लग जाते हैं। अरे डिग्री बिग्री से पेट थोड़ी भरता बे, पेट भरता है पैसे से, और पैसा होता है बिजनेसमैन के पास। भैया आप ही एक बात बताओ, आपको एक लड़की की शादी करवानी है तो आप किससे करवाओगे? मैं? अरे भाई साहब मैं तो खुद से करवाऊंगा, वो क्या है ना पिछले 4 साल से कुवारा जो हूँ। 4 साल पहले आपका डाइवोर्स हुआ था क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, 4 साल पहले मैं 20 का था, तब सरकार नहीं करने देती थी ना। अरे भैया आप मान लो आपकी एक बेटी है। अरे लेकिन भाई मेरी तो शादी नहीं हुई। अरे भैया आप मान लो आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एक बेटी है। लेकिन नाम क्या होगा मेरी बेटी का? मैडम आपका नाम क्या है? प्रिया। हाँ प्रिया। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, आपके घर पे लड़की हुई है, ये तो खुशी का माहौल है यार, मीठा मुंह करवाओ। चलो आगे दुकान है यार मिठाई की, वहाँ पे रोको, सब मीठा मुंह करते हैं। भैया गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, गाड़ी सीधी चलाओ। अरे तो भैया आपको क्या लगा था कि प्रिया की शादी करवाऊंगा मैं? आप कौन होते हो प्रिया की शादी कराने वाले? प्रिया खुद डिसाइड करेगी उसे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। अरे भाई साहब मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे यार प्रिया का बाप हूँ मैं, प्रिया के बारे में इतना भी नहीं सोच सकता क्या? प्रिया को पेट काट काट के पाला यार मैंने। अब आप ही बताइए भाई साहब, इसकी शादी के लिए सोच रहा हूँ कुछ गलत सोच रहा हूँ क्या? इतना भी हक नहीं बनता क्या मेरा? अरे प्रिया जी इंडिपेंडेंट है बिल्कुल हमारी तरह। अरे क्योंकि हम बिजनेसमैन है ना, बिजनेस का तो एक ही रूल होता है, चद्दर से अगर पैर बाहर जाए ना तो बिना चद्दर के ही सो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, कुत्ते की जिंदगी है इनकी, बॉस की चाटते रहते हैं बस, ये बॉस कहे बैठ तो ये बैठ जाएंगे, बॉस कहे उठ तो ये उठ जाएंगे, बॉस कहे लेट तो ये लेट जाएंगे, बिल्कुल पट्टा बांध के रखता है बॉस इनके। अरे भाई साहब मेरे को देखो, मर्जी और गाड़ी दोनों खुद की चलाता हूँ, किसी की नहीं सुनता। हाँ अरे चुप करो यार चुप करो, क्या ये जॉब बिजनेस लगा रखा है? नहीं तुम दोनों ने कभी हम बेरोजगारों के बारे में सोचा है? नहीं ना, बस रेस में लगे हुए हैं, जितना दूर भागो जितना तेज भागो उतनी दूर फिनिश लाइन होती जाती है। हम लोग घर से भूखे प्यासे निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रट्टू और अप्रोच वालों के ही काम बनते हैं, और किसी के काम नहीं बनते। रोज सुबह घर से ये सोच के निकलता हूँ कि नौकरी मिलेगी, लेकिन रोज शाम को घर पे निराश होके वापिस आता हूँ मैं। और तू अगर इतनी जल्दी थी तो शेयर कैब क्यों की तूने? और तू पैसों के इतने डींगे मार रहा है, शेयर कैब तो तूने भी की थी। आया बड़ा पैसे वाला। अरे भैया आगे से राइट लेना। अरे कम से कम वाइट की तो खाते हैं।
ये तो नहीं है कि दो नंबर का धंधा करते हो। भैया आपको नहीं लगता इनको सजा होनी चाहिए? अरे क्या एक नंबर दो नंबर, हाँ हम किसी के सामने क्रिकेट लाते नहीं है, जो मन में आता वो करते हैं क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। भैया आपको नहीं लगता आजकल लोगों में मैनर्स ही खत्म होते जा रहे हैं? अरे तू अपनी औकात में रह ले, तू बोलेगा मेरे को, तू समझेगा मेरे को, हैं हैं हैं? तुम चुप करो कमीनो। क्या ये जॉब बिजनेस लगा रखा है? और तू तू बाप बनेगा मेरा, तुझे तो मैं भी बताती हूँ। क्या यार मम्मी, ना मुझे किसी बिजनेसमैन से शादी करनी है ना सैलरी वाले से, मैं नल्ले से शादी करूंगी। बाय। वैसे आप क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूं जी। मतलब नल्ले हो? हाँ जी। तो प्रिया जी कर दे स्कोडा लोरा बुक। चलो अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मेरे पैसे तो दे जाओ। अरे भाई साहब मेरे कैब के पैसे तो दे दो। अरे मैडम आप तो पैसे दे जाओ कैब के। होता तो बिजनेस ही बढ़िया है। अजी घंटा बिजनेस बढ़िया, जॉब बढ़िया होती है। अरे भैया तुम चलो ना। तुम दोनों के दोनों अभी उठो और अभी कैब से बाहर निकलो, अभी के भी निकलो। अरे क्या बात होगी भाई, अभी के भी निकलो। इस तोला कैब के चक्कर में तुमने मेरी मार रखी है, जल्दी बाहर निकलो यार। तुम ना ऐसे नहीं निकलोगे, तुम्हें मैं बताता हूं। भारा भारा भारा। साला मुझे ये टोला कैब चलानी नहीं है, मैं भी साला नल्ला बनूंगा। कोई लड़की तो पटेगी। क्यों भाई, इससे कोई अच्छा तरीका है लड़की पटाने का तो तुम कमेंट करके बता दो।